उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह गया पहुंचे, जहां उन्होंने महाबोधि मंदिर में पूजा पाठ की। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गया पहुंचे। सबसे पहले वो ओटीए गया पहुंचे, उसके बाद उन्होंने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर पहुंचे, जहां बीटीएमसी के सदस्यों ने अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया। मंदिर के मुख्य पुजारी ने महाबोधि मंदिर में विधिवत रूप से उन्हें पूजा अर्चना कराई और मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के भी दर्शन और पूजन किए। उत्तराखंड के राज्यपाल ने यहाँ तिब्बती बौद्ध मॉनेस्ट्री में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना भी की। पटना महावीर मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि महावीर मंदिर की तरफ से अयोध्या तीर और धनुष भिजवाया गया है। देश के प्राचीन मंदिरों में से पटना का हनुमान मंदिर ऐसा है। माना जाता है कि हनुमानगढ़ी के बाद ये इकलौता हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ भक्तों की सबसे ज़्यादा भीड़ उमड़ती है और कड़ाके की ठंड में भी यहाँ लोगों की भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। पूर्व क्रिकेट सह दरभंगा के पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने अपने दरभंगा आवास पर पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि जिस दिन कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बनने की घोषणा हुई थी, उन्हें बहुत खुशी मिली थी। उन्होंने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं कि 22 जनवरी को ही वो अयोध्या जाएं। 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाने वाले सनातन के विरोधी कैसे हो सकते हैं। कीर्ति आजाद ने कहा कि शास्त्र के विधि विधान से होना चाहिए, जिस कारण वो नहीं जा रहे हैं। जिस दिन निर्णय आया था न्यायालय से और राम मंदिर को बनने की घोषणा हुई थी, तब से बड़ी प्रसन्नता है। और सभी जानते हैं कि हम लोग तो मिथिला के हैं, सीता माँ की जन्मस्थली है, भगवान राम का ससुराल है, तो इससे बढ़कर हमारे लिए और प्रसन्नता की क्या बात हो सकती है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन कोई आवश्यक तो नहीं कि हम 22 तारीख को ही जाएँ, और अगर 22 को नहीं जाएँगे तो हम सनातन धर्म को नहीं मानते या उसका विरोधी हैं। अभी दो शंकराचार्यों ने कहा है कि अभी मंदिर पूरा बना नहीं है, अधूरा है, और शास्त्र के अंदर और शास्त्र विधि विधान से होना चाहिए, इस कारण से वो अभी नहीं जा रहे हैं। तो क्या वह भी सनातन धर्म के विरोधी हो गए? ऐसा नहीं है, इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। जब एक बार तैयार हो जाएगी, ये भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा, तो सीता माँ की तरफ से हम लोग जाएँगे, भर भर के हजारों लाखों लोग यहाँ से जाएंगे उनके ससुराल से, और मंदिर में जाकर वहाँ पूजा अर्चना करें। पछुआ हवा की वजह से पूरा नालंदा जिला ठंड की चपेट में आ गया और भीषण शीत लहरी के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ठंड की वजह से लोग जहां ठिठुर रहे हैं, वहीं दो दिन से तेज पछुआ हवा के कारण ठंड में और इजाफा हो गया है। हालांकि नालंदा डीएम की तरफ से जिले के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश 16 जनवरी तक के लिए दे दिया गया है। नगर निगम के द्वारा किसी प्रकार के अलाव का व्यवस्था नहीं किया है। इन लोग ये जो जल रहा है, हम लोग आसपास के लोग हैं ना, पैसा जमा करके लकड़ी लाए हैं और हम लोग किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। इसके बिना तो हम लोग अपना अपना पैसा से लकड़ी खरीद कर लाए हैं और जला रहे हैं और किसी तरह अपना दिन काट रहे हैं। शहर में कोई व्यवस्था नहीं है? किसी तरह का कोई व्यवस्था नगर निगम ने है, पूरा नगर निगम नादारत है, जबकि जिलाधिकारी महोदय सभी स्कूल को ठंड के कारण बंद करा दिए हैं। लेकिन बिहार में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। इसे लेकर मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज विधानसभा से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह ने कहा कि विपक्ष राम मंदिर का विरोध नहीं बल्कि आदर्श का विरोध कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पक्ष विपक्ष सभी को पूछा गया है कि बीजेपी तोड़ने वाली पार्टी नहीं बल्कि जोड़ने वाली पार्टी है। वो राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के विरोधी लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। राम हिंदुस्तान के आदर्श थे, आदर्श हैं, आदर्श रहेंगे। इसलिए मैं नहीं समझता कि वो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, वो यहाँ के आदर्श का विरोध कर रहे हैं। लोग विपक्ष कह रही है कि राम मंदिर के नाम पर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, उनको भी करना चाहिए, उनको कौन रोक रहा है? अगर उनको लगता है कि ये वोट की राजनीति है तो उनको भी वोट की राजनीति करनी चाहिए। ये करेंगे ही,
हम लोगों ने तो अपना फर्ज निभाया है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने फर्ज निभाई है और इस देश का जो हुकूमत जो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, नरेंद्र मोदी जी ने सारे लोगों को पूछा है। हिंदुस्तान के धरती पर जो रहते हैं वो निश्चित रूप से चाहे किसी धर्म के मानने वाले लोग हों, लेकिन राम एक आदर्श के रूप में थे, उनको आदर्श के रूप में मानते रहेंगे। हम कहाँ बीजेपी वाले क्या नफरत करते हैं पैगम्बर साहब से, बीजेपी वाले क्या नफरत करते हैं यीशु से, हम नफरत नहीं करते। हम जोड़ने वाले लोग हैं, अपने आदर्श को मानने वाले लोग हैं, जो भी हमें सही रास्ता दिखाया है अपने पूर्वजों को याद करने वाले लोग हैं, आज उन्हीं पूर्वजों को याद किया जाता है। उसी बांका के पंजवारा थाना क्षेत्र के महुआडी गांव से पुलिस ने एक युवक को देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ शनिवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की पहचान बांका थाना क्षेत्र के ककना गांव निवासी अमित कुमार पिता मुन्ना चौधरी के तौर पर हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार युवक से पूछताछ शुरू कर दी है।